अकोला 24 न्यूज़, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। जिस तरह सर आपका एक बयान वायरल हुआ था कि आपने कहा था कि मैंने 15 साल का अपने घर का विकास किया है, अब आने वाले 5 साल कार्यकर्ता का विकास करूंगा, इस पे आपका क्या कहना है सर? वो जो भाषण है वो लोगों ने सब तोड़ मोड़ के बनाया हुआ भाषण है, और जिसने बनाया था वो 18 साल का बच्चा है। उसका अपन रिपोर्ट देते थे, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती थी। उसने माफ़ी मांग लिया पुलिस स्टेशन में और लिख के दे दिया, और उसने जो बोला है वो उसने उसके जो ग्रुप था उस पर भी डाल दिया। उसमें लिखा था कि मेरा अच्छा हुआ क्योंकि मेरा बच्चा, मैं आमदार हुआ तो पढ़ाई किया, उसका MBBS को नंबर लग गया, मेरी बच्ची नीट को लग गई, मेरा एक भतीजा है वो इंजीनियर हो गया, मैं आमदार नहीं बनता था तो शायद वो लाइन लगती नहीं थी। और मैंने क्या बोला कि जो टिकट को लेट हुआ तो 15 साल में मैंने क्या कमाया, तो 15 साल में ये जो टिकट लाने के लिए कार्यकर्ता जो जुड़ गए, जो लोगों के आशीर्वाद मिले, ये एक एक आदमी एक एक कोटि का है, मैंने करोड़ों कमाया, जिसका हिसाब कैलकुलेटर में नहीं हो सकता इतनी कमाई मैंने किया। मैंने अभी विरोधकों को कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि 15 साल में मेरे पे एक भी एलिगेशन लगा नहीं भ्रष्टाचार का। विकास के बारे में तो किसको बोलने की गरज नहीं, 3250 करोड़ रुपए ये 2.5 साल में मैंने सिर्फ ला लिए। तो अब विरोधों को उन्होंने जो मिला है वो तोड़ जोड़ के मिला है, पर जिसने बनाया है उसने माफ़ी मंगा है, और वो बच्ची की मैं ज़िंदगी ख़राब करना नहीं चाहता हूँ। उसने बोला मेरे से गलती हो गई, तो जो माफ़ी मांगता उसको माफ़ करना बहुत बड़ी बात है, तो मैंने उसको माफ़ कर दिया। मेरी विरोधक से विनती है कि आप कितना भी दुष्प्रचार करो, 15 साल में मैंने मेरी छवि कभी बिगड़न नहीं दिया, तो लोगों को मालूम है कि मेरी छवि कैसी है, तो इनका जितना झूठे बोलेंगे उतना मेरा फायदा होगा, ये मेरे को दिख रहा है, और ये आने वाले 23 तारीख को ये विरोधक को दिख जाएगा। जय श्री राम। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।